फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखिया फीडी है। मैसल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भर्ती आया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कैंडिडेट को भरोसा भी नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को सबूत दिखाता हूँ, उसके बाद सब कुछ डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कोस्ट गार्ड होता है ये इंडियन नेवी का ही एक पार्ट होता है। तो दोस्तों, जो ऑफिशियली जारी हुआ है ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कर लिया है क्लिक। क्लिक करते हैं दोस्तों, जो ऑफिशियली पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो बोलता है कि कोस्ट गार्ड के तो आता ही रहता है, ये फेक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें आप लोग को जीडी का पोस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल का पोस्ट देखने को मिलेगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई स्टार्ट होगा 26 जून से अप्लाई स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में हम भी सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं, इंडिया फास्ट जॉब अलर्ट डॉट कॉम। ये एक जॉब न्यूज़ वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ऑल इंडिया लेवल तक को सभी जॉब की जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसा जॉब है जिसके लिए अभी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पर आके आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जो आप अपने मोबाइल में कर सकते हो उस टाइप का लिंक भी मिलेगा। उसी के साथ ऑफिशियली जो जारी होता है एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी आपको जो दिखाया उसको आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, फिलहाल हम इस पोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। जो आपने अभी अभी देखा था एडवर्टाइजमेंट, उसका हमने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इस पोस्टों के लिए अप्लाई का जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2021 से पहले इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट देखने को मिलेगा, ओनली 50 पोस्ट देखने को मिलेगा जिसके लिए करना है ऑनलाइन अप्लाई, और इन पोस्टों के लिए इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पहला वाला जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का होगा, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का होगा, जो कि 1 जनवरी 2022 बैच के लिए ये भर्ती है, ठीक है। और यहाँ पे इस पोस्टों के लिए आप लोग को मिलेगा जनरल ड्यूटी का पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल पोस्ट है 40। इसमें दोस्तों यूआर कैंडिडेट का 11 है, ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट है, ओबीसी का 7 पोस्ट है, एसटी का 13 और एससी कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट रिजर्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो एज लिमिट है दोस्तों 1997 से लेके 2001 के बीच तक अगर आपका एज है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसी के साथ 60 आपका परसेंटेज होना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांडेंट रैंक की पोस्ट है। इसमें आप लोग को ग्रेजुएशन भी होना पड़ेगा, उसी के साथ 60 आपका परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों यूआर का 3 है, ओबीसी का 4 पोस्ट है, एसटी का 1 है और एससी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट रिजर्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट है 1997 से लेके 2001 की बीच तक अगर आपका एज है तो आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, 60% होना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग में आपको 60% होना पड़ेगा तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप मतलब जिस पोस्ट में अप्लाई करोगे, मान लीजिए आप मतलब इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे या टेक्निकल के लिए, सॉरी, आप जो टेक्निकल का जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो है रैंक वाइज आपका जो सैलरी होगा कितना होगा यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट, डेपुटी कमांडेंट हो गया कमांडेंट, उसके बाद दोस्तों डेपुटी इंस्पेक्टर जनरल हो गया इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल, इस टाइप का जो पोस्ट है उसका जो सैलरी होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इन पोस्टों के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, तो शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस आपको लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस आपका हो जाएगा, ठीक है। इन पोस्टों के लिए जो अप्लाई स्टार्ट होगा 26 जून 2021 से अप्लाई स्टार्ट होगा, जैसे कि अभी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और अप्लाई जो चलते रहेगा 3 जुलाई 2021 तक इसके लिए अप्लाई चलने वाला है, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक ये है, और ऑनलाइन अप्लाई अगर आप करना चाहते हो अपने मोबाइल से तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हो, और ऑफिशियली जो जारी होता है एडवर्टाइजमेंट का लिंक ये है। और दोस्तों इंडिया फास्ट जॉब अलर्ट जो वेबसाइट है उसका जो एप्स है उस एप्स का लिंक ये है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी अगर आपका दोस्त आपका भाई कोई ऐसा है जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस वीडियो को उस तो शेयर जरूर करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।